के डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल में घटी घटना के बाद अब नागपुर के सरकारी अस्पताल से भी डेथ रेट बढ़ने की चर्चाएं आगे आई है, जिसके विषय में चर्चा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नागपुर शहर द्वारा शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े और विशाल बड़के के नेतृत्व में मेडिकल के अधिष्ठाता राजू गजबे को ज्ञापन सौंपते हुए खड़े सवाल पूछे गए। राज्य के वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जाए तो वैद्यकीय व्यवस्था पर सवाल या निशान उपस्थित हो रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा नागपुर स्थित सरकारी मेडिकल अस्पताल के अधिष्ठाता राजू गजबे के साथ चर्चा की है, जहां रोज की हो रही मृत्यु के विषय में खड़े सवाल पूछे गए। दो दिनों के अंतराल में 63 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जो काफी चिंतनीय विषय है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए डीन गजबी ने बात का खंडन करते हुए वही बात दोहराई कि आज 14 मौतें हुए हैं, जो किसी सुविधा की कमी से नहीं तो उनकी गंभीर हालत के कारण हुई है। जहाँ स्पष्टीकरण देते हुए गजबी ने बताया कि निजी अस्पताल में जब पेशेंट्स गंभीर हो जाते हैं तब मेडिकल में रेफर करते हैं, उस समय मरीज के मरने के आसार बढ़ जाते हैं, जिसका किसी भी वैद्यकीय व्यवस्था की त्रुटि से संबंध नहीं है। लेकिन मनसे शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े ने राज्य सरकार और वैद्यकीय व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए यह मृत्यु तांडव जल्द से जल्द रोका जाए, अन्यथा मनसे तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसा इशारा दिया है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से मेडिकल में आज तक का आंकड़ा हमारे को जो सामने आया, 43 छोटे बच्चों की डेथ हुई है, उसके अगेंस्ट में हम आज डीन से मिलने आए थे और डीन से हमने जवाब मांगा इन चीज़ों का, पर डीन इस चीज़ों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हमने उनको बहुत सारी चीज़ें हमारी सूचना है। ये मेडिकल प्रशासन का जो गलत तरीके से व्यवहार होता है लोगों से, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लोगों से गलत व्यवहार करते हैं, जो लोग बच्चों का मृत्यु हो रही है उनके अगेंस्ट में हमने आज उनको जवाब मांगा, उन्होंने जवाब दिया नहीं। हम उनको कुछ समय दे रहे हैं और उन्हें कुछ समय मांगा है, उस समय तक के उन्होंने ये सब चीज़ें सुधारी नहीं तो आने वाले दिनों में हम मनसे की तरफ से आक्रामक आंदोलन लेने वाले। नहीं नहीं, देखिए, अभी अगर देखा जाए तो सभी तरफ सभी लोगों को मालूम है मेडिकल का कैसा रवैया है, इनके पास में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इनकी मशीनरीज काम नहीं करती, इनका स्टाफ अच्छे से काम नहीं करता, और इन सब चीज़ों की वजह से ये जानबूझ के इनके नकारा काम की वजह से ये काम हो रहा है, और ये साफ गलत बात कर रहे हैं डीन कि उनके दिल्ली का ये है। अभी आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है और आज का 43 का तीन दिन का पिछले तीन दिन का 43 बच्चों की डेथ हुई है। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनको खुद की अपनी सीटें बचाना है, कोई पालक मंत्री के लिए झगड़ रहा, कोई मंत्री पद के लिए झगड़ रहा, उनका आम जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना ही इन लोगों को लोगों की कुछ पड़ी हुई है, ये अपने में मदमस्त है और उन्हीं की वजह से, उसी चीज की वजह से यहाँ पे लोगों की मृत्यु हो रही है, बच्चों की मृत्यु हो रही है, और ये इसका पूरा श्रेय ये तीनों सरकार बीजेपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना को जाता है और उन्हीं की वजह से ये सब चीजें हो रहा है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।